तो आज के हमारी सेशन में हम बात कर रहे हैं आपके साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्यों इस्तेमाल किया जाता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज होता है, नॉर्मली आपने कस्टम फॉर्मेटिंग में सीखा लास्ट क्लासेज में कि आप नंबर को या नॉर्मल फॉर्मेटिंग में फॉर्मेट कैसे करेंगे, लास्ट क्लासेज में हमने आपके साथ बातचीत किया, राइट सर? राइट सर। बट मुझे कई सारे कंडीशंस हैं और कई सारे फॉर्मेटिंग्स हैं वो अप्लाई करना है। जैसे सपोज दैट इस जनवरी महीने का सेल है, मैं चाहता हूं कि इसमें ग्रेटर देन 50 हाईलाइट हो जाए। अब क्यों हाईलाइट करेंगे? क्योंकि अगर मान लीजिए कि ना हाईलाइट करेंगे तो हर किसी पीपल को ध्यान से देख के फिर चेक करना पड़ेगा कि ग्रेटर देन 50 क्या है। अब ग्रेटर देन 50 की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ग्रेटर देन 50 हमारा गुड सेल है, मतलब 50 से नीचे क्वांटिटी आती है वो हमारे लिए गुड नहीं है, बट 50 से ऊपर की क्वांटिटी हमारे लिए गुड है। सो जो भी इस डेटा को देखे उसको ये इतना दिमाग ना लगाना पड़े कि यो ग्रेटर देन 50 कहाँ है, ये जो भी एक कंडीशन देना चाहते हैं। तो आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा आपका एरिया को, जिस एरिया में अप्लाई करना चाहते हैं। देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स, और अब इसमें कई सारे कैटेगरीज है, फिलहाल हम हाईलाइट सेल्स रूल की बात करते हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन और ए 50 खुद ब खुद आ गया, ऐसा नहीं कि मैंने सोचा आ गया, ये इसका एवरेज ले लेता है क्योंकि इसका एवरेज 51 है ना, तो राउंड करके 50 ले लिया इसने, तो इसने 50 या पे आप पे 60 कर दीजिए, 70 कर दीजिए, आपका हाईलाइट हो जाएगा। लेकिन हाईलाइट हुआ वो तो डिफॉल्ट हुआ, तो हाईलाइट के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं कि अगर मैं यहाँ से येलो सेलेक्ट करूँ तो येलो होगा, ग्रीन सेलेक्ट करो ग्रीन होगा। तो डिफॉल्ट कुछ फॉर्मेटिंग दिए हैं, इसके अलावा आप कस्टम फॉर्मेटिंग पे जाएं और कस्टम फॉर्मेटिंग पे आने के बाद आप जो है सिलेक्ट कर लें, ठीक है, एरिया को सिलेक्ट कर लें, देन ओके। जो ग्रेटर देन 50 है वो आप देखिए यहां सिलेक्ट हो गया, राइट सर? और सिलेक्ट ही नहीं हुआ है, मतलब कि हाईलाइट ही नहीं हुआ है, चेक करते रहेगा। अब जो 28 कभी अगर 82 हो गया तो विल बी हाईलाइटेड, अगर 17 जो है वो 17 हो गया तो हाईलाइट हट जाएगा। तो किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे आपके हिसाब से जो फॉर्मेटिंग करे वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है, ठीक है सिद्धार्थ जी? यस सर। अब इसके अंदर क्या क्या है चलिए देखते हैं। यहां पे हमारे सामने ग्रेटर देन है किसी पर्टिकुलर नंबर से ज्यादा, लेस देन किसी पर्टिकुलर नंबर से छोटा, बिटवीन दो नंबर के बीच की, इसको इस तरह से अप्लाई आप कर सकते हैं। तो ये जो आपका हाईलाइट सेल्स रूट में ग्रेटर देन, लेस देन एंड बिटवीन है, इसका यूज जो है आप डेट एंड टाइम एंड टेक्स्ट दोनों पे कर सकते हैं, डेट एंड टाइम एंड टेक्स्ट, राइट? डेट एंड टाइम एंड टेक्स्ट दोनों पे आसानी से कर सकते हैं। अब डेट पे कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए मुझे 5 सितंबर का बाद हाईलाइट करना है तो ग्रेटर देन यहां पे 5 सितंबर, ठीक है। अब इसमें करेंट ईयर का डेटा है इसलिए हमने चेक नहीं किया, अगर प्रीवियस ईयर का डेटा होता तो मुझे यहां पे ईयर को सिलेक्ट करना पड़ता कुछ इस तरह से। तो डेट का चाहे जो फॉर्मेट डाले, जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पे 1 सितंबर ही डालूं, यहाँ पे आप जो है ना 1/9 भी डाल सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे 5/9 भी डाल सकता हूँ, जो आपके सिस्टम डेट का फॉर्मेट हो वो आप यहाँ पे डालेंगे अपने सिस्टम डेट के फॉर्मेट की अकॉर्डिंग,
ठीक है, चलिए। तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन जो दिख रहा है आपको, इसमें जो है आप क्या डाल सकते हैं, नंबर डेट एंड टाइम, इसमें टेक्स्ट नहीं डाल सकते, ऐसा नहीं कर सकते ग्रेटर देन पूजा, ठीक है। अब इसमें एक आता है इक्वल टू, मान लीजिए मुझे एक पूजा को हाईलाइट करना है एक सेल वैल्यू को, तो मैं यहाँ पे पूजा लिखूंगा तो जितने पूजा होंगे सारे हाईलाइट हो जाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट सेल वैल्यू यहाँ पे मुझे मान लीजिए कि 33 को हाईलाइट करना है, वी हैव 33 हाईलाइट हो जाएगा। मुझे यहाँ 7 सितंबर को हाईलाइट करना है तो आप यहाँ देखेंगे इक्वल टू 7/9 कर दीजिए, सितंबर कर दीजिए, जो डेट का फॉर्मेट है वो फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि मुझे मेरे डेटा पे कहीं कहीं पूजा है और कहीं कहीं पूजा सिंह है, ठीक है, पूजा है एंड पूजा सिंह है, पूजा हो गया या पूजा सिंह हो गया, राइट। अब मैं अगर हाईलाइट करता हूं पूजा को तो पूजा सिंह हाईलाइट नहीं होगा, अगर मैं पूजा को हाईलाइट किया तो पूजा सिंह नहीं होगा क्योंकि एग्जैक्ट सेल वैल्यू है। इस केस में हम यूज करते हैं ए डेट ऑकरिंग, ए डेट ऑकरिंग, इस ए डेट ऑकरिंग ने माफ कीजिएगा गलत बोल गया, ए टेक्स्ट दैट कंटेन, टेक्स्ट दैट कंटेन, टेक्स्ट दैट कंटेन में मैंने यहां पे डाला पूजा, तो देखिए पूजा और पूजा सिंह दोनों हाईलाइट हो गया, पूजा एंड पूजा सिंह, पूजा सिंह, जी हाँ। मतलब टेक्स्ट दैट कंटेन में आप कुछ भी टेक्स्ट डालते हो और टेक्स्ट जहां भी होगा वो हाईलाइट होगा। अब क्वेश्चन आता है क्या नंबर पे वर्क करता है, मान लीजिए मैं जीरो को हाईलाइट करना चाहता हूँ तो टेक्स्ट दैट कंटेन में आया और जीरो लिख दिया, तो ये नंबर पे भी वर्क करता है, टेक्स्ट पे भी वर्क करता है एंड नंबर पे भी वर्क करता है, ठीक है। तो इसमें अब अगला आता है डेट ऑकरिंग। अब जैसे कि आपका डेट है तो अगर आपने इस डेट में कोई पर्टिकुलर डेट डाला, जैसे मैं चाहता हूँ आज की डेट हाईलाइट हो जाए, मैं यहाँ पे आज की डेट हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि जहर सी बात है इक्वल टू में जाएंगे और यहाँ पे 1 अक्टूबर डाल देंगे, 1 अक्टूबर नहीं आज की डेट 4 अक्टूबर है ना, तो यहाँ पे हम 4 अक्टूबर डाल देंगे, तो हमने 4 अक्टूबर डाल दिया, देखिए 4 अक्टूबर हाईलाइट हो गया हमारा, ठीक है, तो 4 अक्टूबर हमने हाईलाइट कर दिया, लेकिन तो फिक्स हो गया ना सर, हमेशा ही 4 अक्टूबर ही रहेगा क्या, हमेशा 4 अक्टूबर ही रहेगा ना, नहीं सर ये तो करंट डेट में काम करेगा नहीं, नहीं हमने डेट मैनुअल डाला ना सर इक्वल टू में जाके, तो हर दिन मुझे चेंज करना पड़ जाएगा ना, राइट। आप चाहते हैं कि सिस्टम डेट से कनेक्टेड हो तो यहाँ हम डेट ऑकरिंग का इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया टुडे, कोई पर्टिकुलर डेट नहीं सिलेक्ट किया, हमने सिलेक्ट किया टुडे, अब ये सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहे, आज जो है आपको यहाँ पे 10 अक्टूबर हो तो 4 अक्टूबर है, कल खोलेंगे तो 5 अक्टूबर हो जाएगा, परसों 6 अक्टूबर, देन 7 अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर के अकाउंट से चेंज होगा। हाँ सर, यस, हेलो, हाँ सर, यस यस, और
इसलिए तो मैं एक्स्ट्रा व्हाट्सएप अभी वर्ल्ड वाइड शटडाउन हुआ है, मैसेज आया था मुझे। हो सकता है प्रॉब्लम हो, नहीं मोबाइल करियर वर्क नहीं कर रहा है, बीएसएनएल के छोड़ के कोई मोबाइल करियर भी वर्क नहीं कर रहा है। हाँ मुझे मिला है, मिला। अभी मोबाइल करियर वर्ल्ड वाइड बंद, मैं कुछ प्रॉब्लम है मोबाइल करियर में, सब जगह पे बंदा हुआ है, समझ गए ना। मेरे पास तो फाइबर लाइन है ना, लाइन है तो मेरे प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा इंटरनेट चल रहा है क्योंकि मेरे पर लाइन कनेक्शन है, मोबाइल करियर नहीं है। ठीक है कर लेंगे जी। तो यहाँ पे हमने डिटेल, अभी सर आप लोगों का इंटरनेट चल रहा है ना सर? कौन सा इंटरनेट है आपके पास? लाइन कनेक्शन है क्या आपके पास? नहीं सर, हॉटस्पॉट इंटरनेट चल रहा है सर। कौन सा कनेक्शन चल रहा है आपके पास? मेरे पास एयरटेल का, मेरा मोबाइल का है। मैंने सिम वाला है आपका? हाँ सिम वाला है। पता नहीं कोलकाता, बिहार, यूपी तीन जगह पे है इंटरनेट डाउन है, एवरी कैरियर। ठीक है मैम, तीन तीन साल का रिपोर्ट तो मिला है, कोलकाता से मिला, यूपी से मिला, और व्हाट्सएप वर्ल्ड वाइड बंद है अभी। अच्छा वर्ल्ड वाइड? हाँ मुझे मैसेज आया है कि वर्ल्ड वाइड बंद है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप मतलब अपना तो व्हाट्सएप चल रहा है? नहीं मैंने आपको सेंड किया, नहीं किया आपको, देखिए किसी को सेंड कीजिए, नहीं आएगा मैसेज अभी के लिए बंद है क्या? शायद अभी बंद हुआ है 10-15 मिनट पहले, मैंने समझिए ना आपकी क्लास है कुछ देर पहले। अच्छा मैंने मैसेज डाला हुआ है सेंड में और सब जगह बंद है। मैं जो व्हाट्सएप का मैसेज, मेरा प्रीमियम सर्विस है ना व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप मैसेज सेंड नहीं हो रहा वाकई रियली में। व्हाट्सएप बंद है वर्ल्ड वाइड, कुछ प्रॉब्लम है सर इंटरनेट में बिहार में हमारा। इसका एयरटेल वर्क कर रहा है, एयरटेल का डेटा वर्क नहीं कर रहा है, बट वॉइस एंड एसएमएस वर्क कर रहा है। आइडिया दोनों ब्लैक आउट, आइडिया वीएल जो है आपका वीआईएल ब्लैक आउट है, उसका कुछ वर्क नहीं कर रहा है। ओके तो यहाँ पे आप टुडे ले दें, तो आज का डेट, टुमारो कल का डेट, इन द लास्ट 7 डेज, द लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, यहाँ से आप ले सकते हैं। ये आपके सिस्टम डेट से कनेक्टेड हो जाता है। आपका सिस्टम डेट चेंज होगा तो ये भी अपने आप को चेंज कर लेगा, तो सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग आपका वर्क चल रहा है। ठीक है ओके। उसके बाद बात आती है, डुप्लीकेट वैल्यू। अगर कोई वैल्यू मोर देन वन टाइम आपके पास है तो यहाँ हाईलाइट डुप्लीकेट से इसको हाईलाइट कर सकते हैं, मोर देन वन टाइम। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई मोबाइल नंबर आपका है, यहाँ मोबाइल नंबर है, और मैं चाहता हूँ जैसे कोई डबल डुप्लीकेट एंट्री करे हाईलाइट हो जाए तो यहाँ पे आप डुप्लीकेट वैल्यू कर दें। अब डुप्लीकेट वैल्यू पे जैसे मैंने ऊपर डाल दिया 8802579388, एंटर मारते नीचे देखिए 8802579388, दोनों हाईलाइट हो गया राइट। तो जो भी लिखे जितना बार लिखेंगे उतना बार आपका हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू का काम आता है। तो अभी हमने पहले क्या किया, अभी एक बार देख रिपीट कर लेते हैं। हमने ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन ए डेट ऑकरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू, ये टॉपिक्स कवर कर लिए। सिद्धार्थ जी, विपिन जी एंड जी, कोई डाउट इसमें? अब बात करते हैं टॉप बॉटम्स। जैसे मान लीजिए कि यहाँ दिसंबर में हमने सिलेक्ट किया हुआ है और सिलेक्टेड में जो टॉप 5 है या टॉप 10 है उसको हाईलाइट करना है। तो टेक्स्ट दैट कंटेन में हमने टॉप 10 सिलेक्ट किया, जो टॉप 10 है मतलब कि अगर 1 से लेकर 100 नंबर है तो टॉप 10 90 to 100 आएगा। तो टॉप 10, अब 10 के जगह पे टॉप 5 कर लीजिए, 100 कर लीजिए, 50 कर लीजिए, जो नंबर डालेंगे वो आपको यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा।
तो वैल्यू से, वैल्यू के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से नहीं कि 73 चौथे नंबर पे तो हाईलाइट हो, नहीं, 73 इस पूरे प्रोजेक्ट में किस कहाँ पे है, मतलब कि उसकी वैल्यू किस पे है, सो हाईलाइट करना है, ठीक है। उसी तरह से इसमें आपका बॉटम 3 होता है, बॉटम 10%। अब यहाँ पे टॉप 10% जो है आपका, यहाँ पे हाईलाइट टॉप 10% और बॉटम 10%। तो परसेंटेज वाला जो है ये परसेंटाइल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वर्क करता है। जब परसेंटाइल फॉर्मूला पढ़ाऊंगा तो इसको समझा दूंगा। अगला आता है अबव एवरेज। तो सिलेक्टेड सेल है उसका जो एवरेज है वो क्या है, हमारा 50 है, ठीक है। एवरेज क्या है, 50 है। यहाँ देखिए नीचे 50 दिख रहा है ना, तो 50 से जो बड़ा होगा उसको अबव एवरेज हाईलाइट कर देगा, और बिलो एवरेज क्या करता है, 50 से जो नीचे है उसको हाईलाइट कर देता है। तो इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं जब हमारा, जब हमारा कोई ऐसा डेटा आता है जिसमें कोई बेंचमार्क डिफाइन नहीं है और हमें गुड और बैड शो करना है, बेंचमार्क डिफाइन नहीं है एंड गुड एंड बैड शो करना, ठीक है। तो उस केस में इसका यूज करते हैं। उसके बाद डेटा बार, ये आपको बार में बताता है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर इसको एक अलग सीट पे मैं दिखाऊं आपको, जैसे मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 और फिर इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने डेटा बार लगाया। तो देख रहे हैं जैसे जैसे मैं नंबर बार वैसे बार बढ़ रहा है, तो जो है ये आपका सारे। तो क्या होता है बड़े बड़े डेटा पे क्या होते हैं, बार चार्ट नहीं लगा सकते ना सर, बड़े बड़े डेटा पे हम बार चार्ट तो लगा नहीं सकते, तो वहां पे इसका यूज हम लोग करते हैं। उसके बाद कलर स्केल होता है। कलर स्केल भी डेटा बार की तरह होता है, लोअर टू हायर, जितना ज्यादा ब्लैंक है, जितना ज्यादा रेड है ग्रीन है वो हायर है, रेड है तो लोअर है। तो इसी तरह से सारे कलर सिस्टम होते हैं। क्लियरिटी देखना है तो आइकन सेट है, आइकन सेट में क्लियर बताता है कि कौन सा लोअर है कौन सा अपर है कौन सा मिडल है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे क्वार्टर वन लिख दिया, यहाँ पे क्वार्टर टू लिख दिया, क्वार्टर वन में 50 सेल है, क्वार्टर टू में 60 सेल है। अब मुझे दोनों को चेक करना है, तो यहाँ हमने आइकन सेट में इसको सिलेक्ट कर लिया, तो आप देख सकते हैं कि वो स्वैप हो गया, पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर मान लीजिए कल के डेट में 61 हो जाता है तो यहाँ पे स्वैप हो जाएगा। तो इसका यूज हम लोग डैशबोर्ड वगैरह में आसानी से करते हैं। बाकी आइकन जो है यहाँ पे आपके हिसाब से और भी बहुत सारे आइकन हैं, जो मर्जी वो लगा सकते हैं, लेकिन इसका यूज हम लोग डेटा वगैरह पे करते हैं ताकि पता चलता है क्या हमारा पोजिशन के हिसाब से कैसे बड़ा में कौन सा छोटा में कौन सा है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ हम एक चीज और आता है कि अगर मान लीजिए मुझे कंडीशन वर्टिंग रिमूव करना है, तो अगर आप सिलेक्टेड एरिया का रिमूव करना है तो सिलेक्ट कीजिए कंडीशन वर्टिंग में क्लियर रूल्स में जाके फ्रॉम सिलेक्टेड सेल कर दीजिए। एंटायर सीट का करना है कि आपका जो सीट D1 पे जितने भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स लगे हैं सारे के सारे रिमूव हो जाए, तो उस पर हम करेंगे क्लियर रूल्स फॉर एंटायर शीट, राइट। ये एंटायर शीट का डिलीट कर देगा। उसके बाद अगर कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा है और मुझे उसमें कुछ चेंजिंग करें, जैसे येल्लो कलर है मुझे येल्लो नहीं चाहिए इसमें ग्रीन चाहिए, तो आपको जाना है मैनेज रूल्स पे, यहाँ पे जाना है कि आप उस पर सिलेक्ट करो। अब जरूरी नहीं कि पूरा डेटा सिलेक्ट करना हो, एक सेल पे क्लिक कर दीजिए और मैनेज रूल्स पे चले जाइए और इस पे डबल क्लिक कीजिए तो ये आपका एडिट मोड में आ जाएगा। अब यहाँ पे अपनी फॉर्मेटिंग या अपना कंडीशन जो भी चेंज करना चाहो आप चेंज कर सकते हो, ओके। और सेम आइकन में भी सेम ऐसा ही होता है, मैनेज रोल,
इस पर क्लिक किया और यहाँ अपने हिसाब से जो मैं मान लीजिए मुझे कलर यानी चाहिए, मुझे कलर रेड में चाहिए, तो रेड आपका रेड, ये आपका रेड टू वाइट हो गया। ओके, तो हमने हाईलाइट सेल्स रूल्स के बारे में जाना, टॉप बॉटम्स के बारे में जाना, डेटा वार्ड के बारे में जाना, कलर स्केल के बारे में जाना और आइकन सेट के बारे में जाना। तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये मोस्ट यूजेज कमांड है, मतलब कि जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले फीचर्स हैं, राइट? अगर मान लीजिए इसमें कुछ चीजें नहीं है, जैसे कि ग्रेटर देन तो है बट ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, लेस देन तो है बट लेस देन इक्वल टू नहीं है, नॉट इक्वल टू नहीं है, नॉट बिटवीन नहीं है, तो इसमें जो चीजें हैं वो सारे चीजें आपको मोर रूल्स में जब जाएंगे तो यहाँ पे सारे कंडीशंस मिलेंगे, जिसके बारे में हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेलिटी की टोटल तीन क्लासेस होगी, एक बेसिक और दो एडवांस। एक एडवांस मैं कल बताऊंगा और एक जो बताऊंगा जब हमारी फॉर्मूला हो जाएगी तब, ठीक है? यस। अब टाइम टू आता है कि आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं।